Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. Our today's topic is acids, bases and salts. आज का अपना टॉपिक क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट एसिड्स. ठीक है, एसिड्स के बारे में अपन ने बात कर ली है. ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? इनका जो टेस्ट होता है वो शोर होता है और इनको मतलब इनको टेस्ट से अपन क्या कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है, एंड नाउ वी हैव बेसिस ऑल्सो. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिस. ठीक है, बेसिस के बारे में भी अपन ने बात कर ली. ठीक है, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बीटर होता है. इनका टेस्ट कहता है कैसा होता है? बीटर होता है. एंड इनका जो टच है वो कैसा होता है? स्लीपरी टच होता है. अंडरस्टैंड, इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं. ओके, बट अब एज वी नो दैट इन आवर लास्ट वीडियो आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट वी कांट टेस्ट एवरीथिंग एंड वी कांट टच ऑल्सो. ठीक है, अपन अपने जो भी मटेरियल्स हैं लाइक एसिड्स और बेसिस, अपन इनको जब टेस्ट करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये एसिड और ये बेस है. टेस्ट के बेसिस पे पता चल जाएगा. ठीक है, और अगर सम थिंग्स ऐसे हैं जिनको आप क्या करोगे, उनको टच करोगे तब भी आप बता सकते हो, लाइक बेसिस. ठीक है, तो इनको आप टच करके भी बता सकते हो कि ये क्या है, बेसिस है. बट अपन जो भी थिंग्स अपने आसपास जो भी मटेरियल है उन सभी को तो अपन टच नहीं कर सकते, उन सभी को तो टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं अपने लिए? पॉइजनस हो सकते हैं. ओके, पॉइजनस हो सकते हैं और ये अपने लिए कोरोजिव हो सकते हैं. इट मीन्स ये क्या, अगर आपने इनको क्या किया, टेस्ट किया, तो ये पॉइजनस अगर होंगे तो आपको ये क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं. यू मे बी डाई. ठीक है, आपको आपकी डेथ हो सकती है अगर आपने ये पॉइजन है और आपने इनको टेस्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हार्मफुल हो गया. ऐसे ही अगर आपने किसी चीज़ को क्या किया, टच किया. ठीक है, अगर आपने टच करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा आपके साथ, आपकी स्किन जल सकती है. ओके, इट कैन बी बर्न यू, आपकी स्किन जल सकती है. ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते. ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन मतलब जो मतलब अपने पास जो मटेरियल है उनमें एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास कुछ अदर स्पेशल क्या होते हैं, अदर स्पेशल सब्सटेंसेस अपने पास होते हैं. ओके, अपने पास कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, जिससे अपने को क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं, एसिड और बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो अलग टाइप की इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो शो होती हैं. बेसिस के साथ में जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये अपनी अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको शो करते हैं. ठीक है, ठीक है, क्योंकि मतलब एज वी नो दैट कि जो भी सब्सटेंसेज हैं अपने, अपन उन सभी को टेस्ट करना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब एसिड और बेसिस के साथ में इनको अपन रिएक्ट करवा सकते हैं. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट वीडियो दैट टर्मरिक, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो टर्मरिक है उसके बारे में भी बताया था. तो ऐसे जो अपने अदर जो स्पेशल सब्सटेंसेज है, ठीक है, अगर अपन इनको टेस्ट नहीं कर सकते, अगर अपन इनको टच नहीं कर सकते, तो कोई तो अपने पास ऐसा मेथड होगा जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड सब्सटेंसेज कौन से होते हैं और बेसिक सब्सटेंसेज कौन से होते हैं. तो उसके लिए अपने पास स्पेशल सॉल्यूशंस या स्पेशल सब्सटेंसेज जिनको आप बोल सकते हो, तो उस टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स, दैट इंडिकेट the acid substances and basic substances. Now, today we are going to discuss about indicators. ठीक है, अभी अपन किसके बारे में बात करेंगे, indicators के बारे में. Okay, और ये जो indicators हैं, okay, ये क्या करते हैं, acid and bases के साथ में react करके फिर ये क्या करते हैं, अपना जो color है वो change करते हैं. ठीक है, अपना कलर चेंज करते हैं. एज आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट वीडियो अबाउट टर्मरिक, ठीक है, मैंने आपको टर्मरिक के बारे में बताया था कि ये क्या करता है, जैसे अपनी मतलब ये बेसिक अपना ये नेचुरल इंडिकेटर है जो क्या करता है, अगर अपने वाइट क्लोथ्स का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जब ये वाइट क्लोथ्स पे
गिर जाता है, फिर आप क्या करते हो, अगर सोप से रब करते हो तो ये क्या हो जाता है, ब्राउनी रेड कलर में चेंज हो जाता है। इट मीन्स ये क्या हो गया, मतलब सोप में क्या है, बेस है, ठीक है। सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो ये जो इंडिकेटर है वो उसने किससे रिएक्ट किया, बेसिड से रिएक्ट किया, तो इसने कैसा कलर दिया अपने को, ब्राउनी रेड कलर, ठीक है। फिर अपन ने देखा, अपन ने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड में अपन ने क्या लिया, लेमन, हाफ कट फ्रेश एसिड अपन ने लिया, और लेमन से अगर अपन ने उसको रब किया तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो गया, येल्लो में। इट मीन्स तो इस टाइप से क्या होता है, अपन इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। एंड नाउ इन सबस्टेंसेस से अपन क्या कर सकते हैं, जो एसिड है और बेसिस जो है उनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऐसे मतलब जो इंडिकेटर्स जो क्या करते हैं, एसिड एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं। इस टाइप के इंडिकेटर्स को अपन क्या कहेंगे, एसिड एंड बेस इंडिकेटर, ओके, एसिड बेस इंडिकेटर। इन इंडिकेटर्स को अपन क्या कहेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स, अंडरस्टैंड। नाउ इसमें अपने पास में कई सारे ऐसे होते हैं, जैसे एक तो अपने पास क्या हो गया, टर्मरिक हो गया, ऐसे ही अपने पास क्या होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, अपने पास क्या हो गया, लिटमस सॉल्यूशन। ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये भी क्या हो गया, अपना इंडिकेटर हो गया, ओके। फिनोलेप्थेलिन, फिनोलेप्थेलिन, ठीक है, फिनोलेप्थेलिन हो गया अपना, ये भी क्या हो गया, ये भी इंडिकेट करता है, ठीक है, ये भी रिएक्ट करता है एसिड एंड बेसिस के साथ में, अंडरस्टैंड। इसका सॉल्यूशन हो गया, एंड एक अपने पास है नेक्स्ट, चाइना रोज पेटल, ठीक है, चाइना रोज पेटल जिसको आप बोलते हो, ये जो चाइना रोज पेटल है इसको आप गुड़हल भी बोलते हो, अपनी लैंग्वेज में आप इसको गुड़हल भी बोलते हो, तो इस नाम से आप इसको ज़्यादा अच्छे से जान जाओगे, ठीक है। ये इस टाइप का फ्लोवर होता है, इसकी लीव्स इस टाइप से होती हैं, ठीक है, रेड कलर का फ्लोवर होता है ये इस टाइप से, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो आप जान जाओगे अच्छे से, ठीक है, ओके। नाउ ये क्या हो गए, अपने इंडिकेटर्स हो गए, इनसे अपन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड एंड बेसिड से इंडिकेट से रिएक्ट करते हैं, और ये अपने को इंडिकेट करते हैं कि इसमें कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेसिस है। ये इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है जिनसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस को, ठीक है। और इनमें से ये जो सॉल्यूशन अपन ने लिया है, ठीक है, इट मीन्स जैसे अपन ने लिटमस पेपर लिया, तो लिटमस पेपर से भी अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अलग टाइप से मतलब अपने जो कैरेक्टर है वो शो करेगा, अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, और बेसिस से अगर अपन रिएक्ट करेंगे तो ये अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा। सेम ऐसे जैसे फिनोलेप्थेलिन है वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा तो अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, और बेसिस से रिएक्ट करेगा तो अलग टाइप की प्रॉपर्टीज वो शो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपन इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस सबस्टेंसेस, अंडरस्टैंड। नाउ अब अपने पास क्या है, फिल्टर पेपर है, ठीक है, तो अपन इन सॉल्यूशन से क्या बनाते हैं, फिल्टर पेपर बनाते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर मतलब इनको इस सॉल्यूशन में अपन ये सॉल्यूशन इनमें इंक्लूड करके अपन इन पेपर्स को क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। फिर ये फिल्टर पेपर क्या करता है, मतलब अभी पता है अपने पास ये सॉल्यूशन उसमें किस में आ गया, फिल्टर पेपर में आ गया, तो फिल्टर पेपर को अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास एसिड सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है, तो अपन उस सॉल्यूशन में डिप करके भी फिर इनको पहचान सकते हैं। और इस टाइप से जो अपने ये पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है, इन पेपर्स को अपन क्या कहेंगे, लिटमस पेपर, वी कैन से दैट लिटमस पेपर। तो इस टाइप से जो अपने पेपर बनाए हुए होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, लिटमस पेपर, अंडरस्टैंड। ये स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप में इस टाइप से स्ट्रिप बनाई जाती हैं, ठीक है, तो इन स्ट्रिप्स को अपन क्या कहेंगे, लिटमस पेपर। एंड लाइक अपन इनसे ओके अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया आपका, लिटमस पेपर, ठीक है। अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन में इसको डिप किया और फिर अपन ने इसको ड्राई कर लिया, तो ड्राई करेंगे तो ये पेपर की मतलब ये स्ट्रिप्स बन जाएंगी। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं वो कौन सी स्ट्रिप हो गई, लिटमस पेपर। एंड इन इंडिकेटर से अपन क्या कर सकते हैं, एसिड एंड बेसिस को क्लासीफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। एंड कुछ अपने पास सबस्टेंसेज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो ना ही तो अपने को एसिड मतलब वो अपने को एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी शो नहीं करते एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ भी अपने को शो नहीं करते। तो इस टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो एसिड की और न्यूट्रल, तो वो
एसिड एंड बेसिस दोनों की ही प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो इस टाइप के जो अपने पास सबिस्टेंसेज हैं वो कौन से हो गए? न्यूट्रल सबिस्टेंसेज हो गए। न्यूट्रल सबिस्टेंसेज क्या करते हैं? वो ना ही तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही बेसिस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, अंडरस्टैंड? एंड इसमें एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है? एसिड से रिएक्ट कराओगे तब भी ये वैसा ही रहेगा, एंड अगर आप बेसिस से रिएक्ट कराओगे तब भी ये वैसा ही रहेगा। और ऐसे जो न्यूट्रल सबिस्टेंसेज हैं उनके एग्जाम्पल हो गए, न्यूट्रल सबिस्टेंसेज कौन कौन से हो गए? तो एक तो इसमें क्या हो गया, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, ओके, एंड एल्कोहल। और क्या हो गया अपना? एल्कोहल। तो इस टाइप से ये जो सबिस्टेंसेज है ये कौन से हो गए? न्यूट्रल सबिस्टेंसेज हो गए। इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसका? एसिड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, बेसिस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है वो भी इसका क्या हो गया? न्यूट्रल सबिस्टेंसेज हो गए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिकेटर्स, ठीक है? अपन क्या करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ओके? एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अपने पास क्या एसिड्स एंड बेसिस हैं? एसिड बेसिस जो सबिस्टेंसेज हैं उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टेस्ट करके, टच करके। बट ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी सबिस्टेंसेज अपने पास है उनको अपन टेस्ट कर सके और टच कर सके। तो उसके लिए अपने पास कुछ ऐसे स्पेशल सबिस्टेंसेज होते हैं जिनसे अपन उनकी रिएक्शन करवा के और अपन क्या कर सकते हैं, एसिड बेसिस सबिस्टेंसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी सबिस्टेंसेज अपने पास है, जैसे अपन ने बात की टर्मरिक की, ठीक है, तो जो क्या है नेचुरल इंडिकेटर है, इस टाइप के सबिस्टेंसेज को अपन क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करते हैं कि ये सबिस्टेंसेज अपने पास है वो एसिड है या बेस है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।